नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 17 जून शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन देने की योजना पर गहलोत सरकार ने काम शुरू कर दिया है। अगले 8 साल में 96 लाख पाइपलाइन से एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जयपुर शहर में पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन की शुरुआत मार्च 2023 से होगी। 8 साल में प्रदेश में 1187 सीएनजी स्टेशन भी लगाए जाएंगे। इनसे गैस की सप्लाई शहर के इलाकों में होगी, वहीं कनेक्शन का रजिस्ट्रेशन फिलहाल फ्री होगा। सीएम अशोक गहलोत के एडवाइजर डॉक्टर गोविंद शर्मा ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ सीबीआई छापा पड़ने पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मैंने तो उल्टा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स प्रमुखों से 13 जून को मिलने का समय मांगा था। 15 जून को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 जून को रेड हो गई। क्या अप्रोच है? प्रदेश में सियासी संकट के समय भी ईडी की रेड हुई थी। मेरे भाई पिछले 40-45 साल से अपना काम करते हैं। मैं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होता हूं, तो इसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जा रहा है? उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दौसा के महवा थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव में बालाहेड़ी पुलिस चौकी के समीप आईओसी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में एसपी राजकुमार गुप्ता ने बालाहेड़ी पुलिस चौकी की बड़ी लापरवाही मानते हुए 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में चौकी प्रभारी एएसआई हरिराम, हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेश गुर्जर, जसवंत सिंह, पुखराज गुर्जर, ब्रजेश कुमार और चालक राकेश कुमार और बदन सिंह हैं। क्रूड ऑयल चोरी का मामला बालाहेड़ी पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर हो रहा था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ऐसे में इस मामले में पुलिस की लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अब राजनीतिक कद दिखाने और जुताने की होड़ शुरू हो गई है। इसी के चलते अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपना दांव चल दिया है। कटारिया के निमंत्रण पर अब 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर आएंगे। वे यहां पन्नाधाय की विशाल मूर्ति का अनावरण करेंगे। उदयपुर में नगर निगम ने गोवर्धन सागर के किनारे 10 करोड़ की लागत से एक पार्क बनाया है। इसी पार्क में पन्नाधाय, उदय सिंह और चंदन की मूर्ति भी बनाई गई है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। राजस्थान में ईडी के विरोध में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच जोधपुर स्थित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर सीबीआई की दिल्ली टीम ने छापा मारकर कार्यवाही शुरू की है। सीएम गहलोत के बड़े भाई के घर और फार्म हाउस पर शुक्रवार सुबह पहुंची दिल्ली सीबीआई की टीम ने कई अन्य नेताओं में भी खलबली मचा रखी है। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर कार्यवाही के कारणों का पता नहीं लगा है। डूंगरपुर में शराब के ठेकेदारों से 8,30,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। 2 सीआई और 2 कांस्टेबल से एसीबी टीम 16 घंटे से पूछताछ कर रही है। एसपी के नाम पर ये मंथली ली जा रही थी, ऐसे में एसीबी टीम एसपी की भूमिका भी संदिग्ध मान रही है। हालांकि अभी एसपी से कोई पूछताछ नहीं की गई है। आरोपी पहले 5 लाख रुपये महीने की बंधी लेते थे, जिसे एसपी के नाम पर बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था। केंद्र सरकार की सैनिक भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आमने सामने हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिना देरी किए इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं, वही आज वे योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस योजना को अच्छा बताते हुए कहा है कि इससे ज़्यादा युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। भारत नेपाल के 15 तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक फ्री तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 10 जुलाई तक चलेगी। इस योजना में राज्य के 20,000 बुजुर्गों को यात्रा करवाई जाएगी, जो ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए होगी। इस यात्रा में उन व्यक्तियों को नहीं ले जाया जाएगा जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम ना हो। 70 साल से अधिक उम्र के आवेदक अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जा सकेंगे, बशर्ते उनके साथ जीवन साथी यात्रा नहीं कर रहे हों। कोरोना के 2 साल बाद देश भर के संत शनिवार को भीलवाड़ा आएंगे। अखिल भारतीय संत समिति से जुड़े प्रदेश कार्यकारिणी के सभी संत एक बैठक में भाग लेने आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर बात की जाएगी। भारतीय संत समिति के प्रदेश मंत्री दीपक पुरी ने बताया कि संतों का ये कार्यक्रम जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर मांडल के नीलकंठ महादेव आश्रम में होने वाला है। उन्होंने बताया कि ये संतों की सबसे बड़ी वार्षिक बैठक है।
मानसून सीजन में वन विभाग की ओर से इस बार सीकर जिले में 11 लाख पौधों के जरिए पर्यावरण को हरा भरा करने की कवायद की गई है। वन विभाग को अब मानसून की बारिश का इंतजार है। मानसून की अच्छी बारिश आते ही विभाग की फलदार फूलदार और सजावटी पौधों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। मानसून सीजन में विभाग की ओर से बरगद पीपल गुलर जैसे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। जिले की सभी नर्सरियों में इस बार वितरण के लिए करीब 3.5 लाख पौधे आमजन को वितरित किए जाएंगे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी से लगातार इतने घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें दोबारा बुलाया है। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व के पास छिपाने को कुछ नहीं है। पायलट बोले, केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों का अनावश्यक दबाव और राजनीतिक प्रेशर एजेंसियों पर है, जो सबको दिख रहा है। पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने का प्रयास किया और आज सीएम अशोक गहलोत के भाई के यहाँ रेड मारी गई। इससे साफ संकेत है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे दबाव में काम कर रहे हैं। राजस्थान में खान विभाग की ओर से एक माह तक चलाए गए अभियान के दौरान सबसे ज्यादा अवैध खनन और परिवहन भीलवाड़ा में मिला। विभाग ने जिले में 161 वाहन व मशीनें जब्त की। माफियाओं से 1,16,00,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में अवैध खनन और परिवहन को लेकर 173 मुकदमे थानों में दर्ज करवाए गए हैं। दोषियों से करीब 10,74,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।